गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोग के एक रेसिपी दिखाती हूँ जो कि मैं चिकन बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पे चिकन धो के रख ली हूँ, यहाँ पे मैं प्याज कट के रखूँ और उसके बाद में मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा तेजपात डाल देती हूँ। तेजपात डालने से थोड़ा स्वादिष्ट होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, उसका अच्छा आता है। चलिए मैं इसमें मिर्च थोड़ा डाल देती हूँ, लाल मिर्च है, तो खड़ा वाला मिर्च है, तो मैं अपने खाने के अनुसार तीखा जिस तरह जिसके घर खाता है लोग वैसे डालता है लोग, तो मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ फिर भी मैं डाली हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं चिकन कैसे बनाती हूँ, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे। मैं तेल इसमें डाल दे, तेल में डाल रही हूँ, तो चलिए आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। अपने अनुसार जितना तेल, बहुत लोग कम खाता है, बहुत लोग ज़्यादा खाता है, तो अपने अनुसार डालिएगा। बस पूरा ये मिर्च लाल हो जाएगा, उसके बाद में आप प्याज डाल दीजिएगा। तो मैं प्याज अब डालने जा रही हूँ, आप लोग देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ। मुर्गा को मटन रहता है तो उसका तरीका अलग रहता है, लेकिन इसका भी तरीका कई गए हैं, लेकिन मैं अभी ऐसे बना रही हूँ, आप लोग को दिखाऊँगी सब तरीका। मैं सोच रही हूँ कि जब बनाऊँ तो देखाऊँ आप लोग को, तो देखूँ। थोड़ा प्याज लाल हो जाएगा। चलिए मैं नमक डाल रही हूँ, अपने स्वाद अनुसार नमक भी इसमें ऐड कीजिएगा, मैं अपने स्वाद अनुसार रख दी। फिर उसको थोड़ा देर पकने देती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ। तो मेरा प्याज पूरा नहीं गला हुआ है अभी, थोड़ा धीरे धीरे गलता है, तो प्याज थोड़ा और गल जाता है तो मैं डालती हूँ। तो मेरा फाइनली प्याज थोड़ा गल गया है, पूरा नहीं गला है, लेकिन मैं इतना ही पे डालती हूँ क्योंकि अभी चिकन भी उसको तलाएगा जाएगा उसमें, तो मैं इतना ही पे डालती हूँ। तो आप लोग देखिए और चलिए बने रहिए। तो फाइनली मेरा चिकन उसमें पूरा डला गया, तो आप लोग देखिए कि मेरा चिकन किस तरह बन गया है। और इसको थोड़ा ऐसा ही धो दूँगी और खूब इसको ऐसे भूज के फ्राई जैसा हो जाएगा। ये तो फाइनली देखिए मेरा चिकन अभी नहीं बना है, पर बहुत सारा प्याज अब गल गया है, तो इसमें मैं मसाला अब डालूँगी। आप लोग बने रहिए पूरा देखिए। आप लोग ये है लहसुन पेस्ट, उसके बाद में ये है हल्दी और हल्दी मैं रख दी। ये है धनिया पाउडर, देखिए मैं धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा धनिया पसंद नहीं है, मैं नहीं डालती। तो आप लोग देखिए मिर्च है, तीखा मिर्च है लाल वाला, तो मैं मिर्च अपने अनुसार डाल दूँ इतना। और इसी में मैं मीट मसाला, मटन मसाला है, इसको मैं डालती हूँ। देखिए बस मैं इतना ही मसाला डालती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है
कुछ ये मटन मसाला है वो चिकन में भी डलाता है और मटन में भी डलाता है, सब्जी में भी डलाता है, सब चीज़ में डलाता है, जिसको जिस तरह पसंद। मुझे बहुत ज़्यादा उसका मतलब पसंद है वो, इसलिए उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो मैं डालती हूँ, तो मैं पूरा मसाला यार इसमें डालूँगी और चलिए फिर उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो मैं इधर सोची थी कि जब हाथ धो के और इधर मैं अपना दूध भी आ गया था, तो दूध उबाल रही हूँ कि जब दूध हो जाएगा तो उसको हटा दूँगी, क्योंकि दूध रख दूँगी तो फट जाता है, तो अच्छा सारा बर्बाद हो जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो इसीलिए मैं अपने हैंड साफ करके इधर दूध रख दी कि इसे। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, क्योंकि इसका प्याज का ही मतलब पानी है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो इसलिए मैं पानी थोड़ा डाल रही हूँ कि बाद में मैं पानी नहीं डालती हूँ, ये पानी में पूरा मसाला एकदम भुना जाएगा, उसके बाद में प्याज गल भी जाएगा और मेरा चिकन तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं बाद में ज़्यादा रस नहीं रखती हूँ इसमें, और ज़्यादा मुझे पानी पसंद भी नहीं है, क्योंकि मटन नहीं है चिकन है, मटन में थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन चिकन में नहीं जाता है, पानी डालो तब तक चिकन बर्बाद हो जाता है। तो थोड़ा सा मसाला भूनने के लिए मैं रखी हूँ इसमें, और आगे आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा जब मैं कैसा बना। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आगे बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तो मेरा फाइनली मीटबॉल के चिकन तैयार हो गया, तो आप लोग देखिए, आप लोग बताइए जरूर, पूरा देखिए कितना मस्त हो गया, अच्छा हो गया। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो और लास्ट तक देखिएगा, मेरा पानी तो रेडी हो गया और मैं अब इसको उतार दूँ, इसको बहुत अच्छा से बुझा गया, पूरा तेल छोड़ दिया, देखिए क्या बंद कर दिया। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लास्ट तक पूरा देखिए, देखिए कितना मस्त इसका।